दोस्तों अभी भारतीय महिला टीम और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम के मैच को लेकर थर्ड एम्पायर ने 12 घंटे बाद किया बड़ा खुलासा। नो गेंद पर आउट हुई थी स्मृति मंदाना और आज ये मुकाबला 101% दोबारा से खेला जाएगा। आखिरकार गाइस आप भी चाहते हैं यह मुकाबला दोबारा से खेला जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है बीते कल T20 वर्ल्ड कप 2024 का हाई वोल्टेज मुकाबला ऑस्ट्रेलिया वुमेन और इंडिया वुमेन के बीच में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया वुमेन की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मगर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सामने 151 रन का लक्ष्य रखा 20 ओवर में। मगर इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की टीम मैदान पर आई तो टीम इंडिया के बल्लेबाज इस टारगेट का पीछा नहीं कर पाए और 142 रन ही बना पाए और इस मुकाबले में 9 रन से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें मामला उस वक्त का है जब भारतीय टीम की ओर से बैटिंग कर रही थी स्मृति मंदाना और वहीं ऑस्ट्रेलिया वुमेन की ओर से बॉलिंग कराने के लिए आई थी सोफिया मोलिनिक्स। जैसे ही सोफिया मोलिनिक्स ने तीसरे ओवर की दूसरी गेंद कराई तो स्मृति मंदाना को एलवी आउट कर दिया। मगर दोस्तों तुरंत एम्पायर ने स्मृति मंदाना को आउट करार दे दिया। लेकिन अब 12 घंटे बाद जब चेक किया गया तो सोफिया मोलिनिक्स का जो पैर था वो लाइन से क्लियर आगे निकला हुआ था, जैसा कि आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे। और इसी एक गलती की वजह से भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। मगर दोस्तों भारतीय क्रिकेट फैंस का कहना है कि यह मुकाबला आज दोबारा से होना चाहिए। ऐसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना यह मुकाबला आज दोबारा होना चाहिए या फिर नहीं, जो भी राय हो नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले।